चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा पहले क्वेश्चन के अंदर कि भाई यहाँ इक्वल टू की साइन दी है। मैंने कहा इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल का मतलब हो जाता है कि दोनों के ऑर्डर सेम है, एज वेल एज उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है। मतलब यहाँ जो पहला एलिमेंट दिया है वो इसके पहले एलिमेंट से इक्वल है, मतलब 4 इक्वल टू वाई, तो मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ जो x दिया है वो इससे इक्वल होगा, तो ये मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 1। सेम वे 5 इक्वल टू 5 तो दिख रहा है, मैं कह सकता हूँ कि 3 इक्वल टू z, मतलब z इक्वल टू 3। तो हमारे ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं दूसरे के लिए क्या होगा। यहाँ भी इक्वल टू की साइन है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे कैसे होंगे इक्वल। तो मैंने देखा यार पहले मैं इनको देखता हूँ, 5 प्लस z इक्वल टू 5। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 का मतलब है ये दो तो कट हो जाएंगे, तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 0। क्या मिलेगा, 0। सेम वे मैंने देखा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होते हैं, इक्वल। तो भी बच्चे ने कहा सर x इंटू वाई तो 8 होगा। मैंने कहा अगर x इंटू वाई 8 होता है तो हमें पता है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो 8 अपॉन x, क्या हो जाएगा 8 अपॉन x। तो इसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ रख दूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x प्लस y की वैल्यू है 8 अपॉन x इक्वल टू 6। अच्छा यहाँ पे LCM लेंगे तो क्या होगा, LCM लेंगे तो x आएगा, ये यहाँ जाके x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। ये x बोला मैं इधर जाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। अच्छा इसे इस तरफ लेते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा इसके फैक्टर निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इसके फैक्टर क्या आएंगे कि भाई x स्क्वायर, देखो इसे मैं बुला सकता हूँ माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्यों, माइनस 4 एंड माइनस 2 हमें माइनस 6 देता है, एज वेल एज माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज हमें प्लस 8 देता है। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टर ढूंढे उसके। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। अच्छा अगर मैं ये कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, x माइनस 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 2। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट 0 मतलब कोई एक 0 होगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 4 उस तरफ जाके प्लस 4, ये माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस 2। सर यानी कि दो केस होंगे, मैंने कहा जब x इक्वल टू 4 हो तो देखो जरा यहाँ 4 रखने पर 8 अपॉन 4 क्या हो जाता है, 2, तो y की वैल्यू 2। अच्छा x इक्वल टू अगर 2 होता तो 8 अपॉन 2 क्या हो जाता, 4, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाता, 4। तो इस तरह से हमें z की वैल्यू 0 और दो केस मिले हमें x एंड y की वैल्यू के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं तीसरे केस में क्या हो रहा है। तीसरे केस में हमने देखा कि भाई यहाँ पे है, ठीक है कि ये 3 by 1 का मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, जिसमें मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, एज वेल एज ये भी इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू है, y प्लस जेड की वैल्यू 7 होती है। ठीक है, ये मुझे पता है यहीं से, तो लिख देता हूँ कि भाई x प्लस 7 इक्वल टू 9 हो तो 7 उस तरफ जाके x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, फिर मैंने कहा यार x प्लस जेड तो 5 है, x प्लस जेड अगर 5 हो तो x की वैल्यू में अगर 2 रख दूँ, ठीक है अगर 2 रख दूँ तो ये उधर जाके z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, मैं चाहूँ उसमें रख के दूसरी वैल्यू ढूंढ सकता हूँ, सपोज यहाँ रख दूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 2 थी। ठीक है, ये रही। ठीक है, फिर y की वैल्यू मेरे पास नहीं थी लेकिन z की वैल्यू थी, क्या थी, z की वैल्यू 3। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है इक्वल टू 9। अच्छा 2 प्लस 3 5, 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हम x y z की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें ए बी सी डी ढूंढना है। ठीक है, तो ए बी सी डी मूवी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर दो। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं वैल्यू ए बी सी डी की क्या होगी। मैंने कहा यार ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब बच्चे सोचेंगे क्यों लिख रहे हैं सर ऐसा। मैंने कहा देखो इक्वल टू की साइन बोलती है दोनों मैट्रिक्स इक्वल, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। ठीक है, दूसरी बात बताई है 2a - b = 0। ठीक है, 2a - b = 0, तो मैंने कहा इसको इधर भेजूँ तो ये प्लस भी हो जाएगा और 2a एक तरफ, तो b = 2a।
अच्छा तो ये वैल्यू हम चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा b इक्वल टू मैं 2a रख देता हूँ, तो a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। मैंने कहा a में से 2a गया तो माइनस a इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ का माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या मिला 1। अच्छा a इक्वल टू 1 अगर यहाँ रख दूंगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल गई 2, ठीक है। सेम वे मैंने कहा यार ये एलिमेंट भी तो इक्वल होगा भाई 2a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू 5। देखो 2 वन जा 2 उस तरफ जाके माइनस होगा तो c इक्वल टू क्या बचेगा 3, ठीक है। सेम वे मैंने कहा यार ये 3c प्लस d इक्वल टू 13 होगा, डेफिनेटली होगा भाई 3c प्लस d इक्वल टू 13। 3 इंटू देखो c क्या है, c 3 है, ठीक है। अच्छा प्लस डी इक्वल टू 13, देखो 3 3 9 9 बोला मैं उधर जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है जा भाई माइनस होगा, हाँ तो क्या होगा डी इक्वल टू 13 माइनस 9 मतलब डी इक्वल टू 4। तो आपको ए बी सी डी चारों की वैल्यू मिल गई, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स आते ही बच्चा समझ जाता है सर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे इक्वल। मैंने बोला नंबर ऑफ रोज क्या थे एम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या थे एन। अगर ये दोनों इक्वल हुए तभी किसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बुला सकते हैं, ठीक है। तो देखते कौन से ऑप्शन में दिया है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि आंसर क्या था सी, ठीक है, क्योंकि सी में एम इक्वल टू एन दिया है। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग मैट्राइसिस इक्वल, मतलब कौन सी एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों मैट्राइसिस को इक्वल कह देगी, ठीक है। मैंने कहा देखो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा पहले जरा एक्स वाले की बातें करते हैं कि 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब कुछ कहेंगे सर क्यों डायरेक्टली आपने कह दिया ये इक्वल है, मैंने कहा देखो उन्होंने बोला है कि कौन सी एक्स एंड वाई की वैल्यू मैट्राइसिस को इक्वल कर देगी, मतलब मैट्रिसेस इक्वल तो होने चाहिए तभी हमें वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मिलेगी, इसीलिए मैंने इन दोनों को इक्वल मान लिया और इसे इससे कंपेयर कर रहा हूं। तो ये उधर गया, ठीक है, तो 3x इक्वल टू माइनस 7 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा तो ये माइनस 7/3, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे यहां मिल रही है माइनस 7/3। अच्छा देखते हैं जरा यहां कहीं पे माइनस 7/3 है क्या, अच्छा नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि आंसर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, बहुत ही बढ़िया सा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब कितने पॉसिबल मैट्राइसिस हैं ऑर्डर 3x3 के विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब या हर एक एंट्री या तो 0 होगी या तो 1, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स की बात करें तो हमें दिमाग में आ जाता है कि 3x3 में क्या होगा कि रो 1 रो 2 रो 3, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे 9, ठीक है, 3 × 3 = 9, दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 जगह, यहाँ पे 3 जगह और यहाँ पे 3 जगह, टोटल 9 जगह खाली है, ठीक है। अच्छा हर एक जगह पे क्या बोला है उन्होंने 0 या तो 1 रखना है, मतलब यहाँ एक जगह पे दो पॉसिबिलिटी है, कितनी 2, एज वेल एज यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कितनी पॉसिबिलिटी है दो चीज़ें रखने की, या तो 0 या तो 1, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटी है 2, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ सिर्फ 2 रखने के बाद यहाँ हम रुक जाएंगे क्या, नहीं, हमारा और काम बाकी है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि हम एंड लगाएंगे कि हियर 0 और 1 मीन्स देर आर 2 वेज एंड हियर ऑल्सो 0 और 1 वी कैन एबल टू पुट मीन्स देर आर 2 वेज। तो एंड आने पर हमें पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, कितने एलिमेंट्स हैं 9, इसलिए अप टू 9 टाइम्स, ठीक है। अच्छा यानी कि आंसर होगा 2 raised to 9, 2 raised to 9 क्या होता है अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 2, दैट मीन्स आंसर इज डी, ठीक है। थैंक यू।